इस लाजवाब स्पेक्ट्रोस्कोप को आप घर पे बना सकते हैं। इसका हृदय है एक पुरानी सीडी का टुकड़ा जिसकी लाइनें प्रकाश को डिफ्रैक्ट करती हैं और आपको एक बहुत सुंदर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। सबसे पहले आप इस टेम्पलेट का एक प्रिंटआउट लें एक मोटी कार्डशीट के ऊपर। आपको साथ में कैंची और गोंद की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक पुरानी सीडी की भी। अब ये रहा आपका प्रिंटआउट मोटी कार्डशीट पे। सबसे पहले इसकी जो बाहरी आउटलाइन है बाहरी रेखा पर सावधानी से काटें। काटने के बाद में आपको एक मोटे तीर जैसा आकार नजर आएगा। फिर जितनी भी बिंदी वाली रेखाएं हैं उन सबको मोड़ दें। इससे आपको डब्बे को असेंबल करने में मदद मिलेगी। वो देखिए यहाँ पर दो आयताकार खिड़कियाँ हैं, छोटी स्लिट्स हैं, उनको भी काटें। एक सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए है और दूसरी आपकी आँख से देखने के लिए। फिर इन फ्लैप्स पर गूंद लगाएं और इनको जब आप चिपकाएंगे तो एक तिकोना डब्बा जैसा बनेगा। अब ये आपका वो ट्रायंगुलर डब्बा। अब ये देखिए इसमें जो दायां वाला हिस्सा है आयताकार, ये है इस डब्बे का पेंदा या उसकी बेस। इसकी दोनों किनारों पर भी गोंद लगाएं और डब्बे को उसके आधार के ऊपर चिपका दें। अब देखिए धीरे धीरे आपका स्पेक्ट्रोस्कोप अपना रूप ले रहा है। ये एक ट्रायंगुलर बॉक्स है और उसके बाद में एक पुरानी सीडी का छोटा सा सेक्टर या टुकड़ा लें और सीडी का जो चमकीला वाला हिस्सा है वो अंदर हो, उसका छपा हुआ जो हिस्सा है वो बाहर हो। इस फ्लैप को भी चिपका दें, इससे सीडी बाहर नहीं निकलेगी। अब आपका स्पेक्ट्रोस्कोप बिल्कुल तैयार है। बाहर धूप में जाएं और जो लंबी भुजा वाली स्लिट है उससे देखें और अपने स्पेक्ट्रोस्कोप को आप सूर्य की तरफ इंगित करें। अब सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा और प्रकाश को डिफ्रैक्ट करेगा और आपको एक बेहद सुंदर एकदम स्पेक्टैकुलर स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। यह है आपका होममेड स्पेक्ट्रोस्कोप।